नमस्कार प्यारे बच्चों, तो देखो कल हमने एक टॉपिक अपना कंप्लीट किया था, समांतर श्रेणी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोण मिति। देखिए, इसका बेसिक आपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि क्या त्रिकोण मिति अनुपात क्या होते हैं, उनके बारे में आप 9th क्लास के बारे में पढ़ के आए होंगे। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद में जो हमारी बुक में है 10th क्लास की में, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो मैं पहले आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। देखिए, त्रिकोण मितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। पहला देखो, हम बोल सकते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये सारी चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। तो देखिए, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम एक राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। तो हमने मान लिया कि ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल दिया है हमें थीटा। तो सबसे पहले तो देखो, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है उसे बोलते हैं हम कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। अब जो दो भुजाएं बच गई हमारी शेष, उनमें एक लंब है और एक आधार है, लेकिन सभी को ऐसे लगता है कि जो ये वाली भुजा हमेशा लंब होती है और ये वाली भुजा जो है वो आधार होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है जो आपका एंगल दिया है उस एंगल के अकॉर्डिंग ये भुजाएं डिसाइड होती हैं कि कौन सी को हम लंब बोलेंगे और कौन सी को हम आधार बोलेंगे। जैसे मान लो ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो जो कोण दिया है उसके सामने की जो भुजा होती है वो होती है लंब, और जो बच गई वो वाली हो गई आधार। यदि हमें ये वाला कोण दिया होता, ये वाला कोण दिया होता, तो इसके सामने की ये वाली भुजा लंब होती, फिर ये क्या होता? आधार। ठीक है, ये चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ से देखिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनका मान हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के रूप में निकालते हैं। इसको भी देखो, एक याद करने का तरीका है, बड़ा होगा आपने, लाल बटे कक्का। लेकिन ये भी तभी यूजफुल है जब आपको इनका ये ऑर्डर पता हो, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले साइन लिख लिया, फिर टेन लिख लिया, फिर कुछ और लिख लिया। ये वाला तभी लगेगा जब आपको इनका क्रम पता है, ये वाला ऑर्डर आपको पता हो। क्रम का मतलब कि सबसे पहले आपको साइन थीटा लिखना है, फिर आपको कोस थीटा लिखना है, फिर आपको टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। तो देखो क्या होगा, सबसे पहला मान निकालना है। तो सबसे पहले मान आप देखो, ये पहले लिखा है L और नीचे लिखा है K। L का मतलब लंब है और K का मतलब क्या है? कर्ण। तो साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। ठीक है, ऐसे ही देखिए, दूसरा है कोस थीटा, तो आप दूसरा देखो, कोस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ऐसे यदि बात करें हम टेन थीटा की, तो तीसरे नंबर पे देखो, टेन थीटा हो गया हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, फिर देखो कोट थीटा, कोट थीटा। अब देखो, ऊपर हमारे हमने 3 का मान लिख लिया, साइन कोस टेन, तो साइन कोस टेन हो गए पूरे। अब आपको इधर से ही नीचे आना है और इधर से जाना है। ठीक है, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? देखो, आधार बटे लंब।
आधार बटे लंब, ठीक है। ऐसे सेक थीटा देखो, यहाँ से फिर हम यहाँ पर आएंगे तो कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा हमारा जो है वो हो जाता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। ऐसे कोसेक थीटा देखो, ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो जैसे मान लो इस ट्रायंगल को हम नाम दे दें ए बी सी, तो बताओ लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा। तो ये वाला हमारा लंब होगा ए बी, और कर्ण होगा हमारा ए सी, तो हम लिखेंगे ए बी बटे ए सी। ऐसे ही कोस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा हमारा बी सी और कर्ण हमारा ए सी, तो कोस थीटा हो जाएगा बी सी बटे ए सी। ऐसे ही टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब ए बी बटे बी सी, ठीक है। ऐसे देखो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब, तो आधार है बी सी और लंब है हमारा ए बी। ऐसे ही सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो हमारा कर्ण तो है ए सी और जो आधार है वो क्या है बी सी। ऐसे ही कोसेक थीटा देखो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारा क्या है ए सी और जो लंब है हमारा वो क्या है ए बी। तो इतनी चीज़ आप नाइन्थ क्लास में पढ़ के आए होंगे, मैंने फिर भी आपको एक बार बता दिया ताकि आपका रिवाइज हो जाए, अटपटा सा ना लगे। ये चीज़ें आपके नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ ली हैं। अब इसके आगे का अब हम पढ़ेंगे, तो एक बार जिसको उतारना है उतार सकते हैं उसको, फिर हम इसका आगे का पढ़ते हैं। तो देखिए हम आगे देखते हैं जो हमारी सिक्स्थ एक्सरसाइज है, उसमें आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री इन कोणों के लिए त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उनके मान पूछे गए हैं। तो देखो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और कितने कोण बताए मैंने आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, पाँच हो गए और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, तो टोटल 30 मान हो गए। अब 30 मानों को याद रखना पॉसिबल है नहीं, तो देखो मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखना। हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, तो उस सारणी को आपको ध्यान से देखना है। यदि आपको वो टेबल बनाना आ गया, रटना नहीं है कि किसका कितना मान होता है, वो हमें ध्यान नहीं रखना, हमें सिर्फ वो टेबल बनाना सीखना है। यदि आपने टेबल बना ली तो सारे मान आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सबसे पहला था हमारा साइन थीटा, ये ऑर्डर याद होना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ इसी ऑर्डर में आपको लिखना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, आपको इसी ऑर्डर में इसको याद रखना है। फिर देखो यहाँ, इधर तो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिया, इधर हम लिखेंगे एंगल। जैसे मान लो कि 0 डिग्री, दूसरा हमने मान लिया 30 डिग्री का, तीसरा हमारा कोण है 45 डिग्री का, चौथा हमारा कोण है 60 डिग्री का और पांचवा कोण है हमारा 90 डिग्री का। इन कोणों के लिए हमें इनका मान निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि साइन 0 का मान हमें यहाँ लिखना है, जैसे मान लो हमें टेन 45 लिखना है, तो टेन ये रहा और 45 ये रहा, तो टेन 45 का मान यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से। तो यदि आपने ये सारणी बना ली, सारणी बनाना सीख लिया, तो सारे के सारे मान आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, हम सबसे पहले साइन वाली लाइन लिखेंगे, इसको भी आपको रटना नहीं है, मैं निकालना सिखाऊंगा, एक ट्रिक है आपको उसको ध्यान में रखना है। तो देखो ये 0 डिग्री है, तो आपको यहाँ से 0 से गिनती लिखना स्टार्ट करना है। तो 0 से लिखना करेंगे तो 0 यहाँ आएगा, फिर 1 यहाँ आएगा, फिर 2 यहाँ आएगा, फिर 3 और यहाँ पर कितना जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद में देखो हमने गिनती लिख ली 0, 1, 2, 3, 4। अब सबसे बड़ी संख्या कितनी आई है हमारी, 4 आई है, तो इन सभी संख्याओं में 4 का भाग लगा दो आप, तो ये हो जाएगा 0/4, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 4/4। इतना करने के बाद में आपको इन सभी का अंडर रूट ले लेना है, बस ये हमारे पास साइन का मान आ जाएगा। फिर सभी का क्या ले लेंगे हम, अंडर रूट, ठीक है। तो देखो आप इनको सोल्व करोगे तो जो मान निकल के आएगा वो हमारे को साइन वाली लाइन का पूरा मान निकल के आ जाएगा,
उसी से हम फिर सारे मान लिख लेंगे। देखो इधर साइन थीटा, तो देखो 0/4, तो 0 में आप किसी भी संख्या का भाग लगाओगे तो 0 ही आएगा, और 0 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 0। यहाँ से देखो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 4 का अंडर रूट 2, तो 1/2। यहाँ देखो आप ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हमें पता है कि 1 का वर्गमूल तो 1 होता है लेकिन 2 का नहीं होता, तो इसको हम अंडर रूट में लिख देंगे 1/√2। ठीक है, ऐसे देखो 3/4, तो 3 का तो हमें नहीं पता, तो 3 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे अंडर रूट में 3, और जो 4 है इसका वर्गमूल होता है 2, तो इसका मान हो जाएगा 3/2। ये देखो 4/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 1, और 1 का वर्गमूल 1, तो ये साइन का मान निकल के आ गया। क्या निकल गया? साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, ऐसे ही साइन 60 का मान होता है √3/2, और ऐसे ही साइन 90 का मान होगा 1। अब कोस का मान कैसे लिखें हम? तो देखो कुछ नहीं करना, वहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, जो साइन का मान आया है उसको उल्टा लिखो, जो लास्ट वाला है वो सबसे पहले लिखो, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 1। ठीक है, उसके बाद में देखो √3/2, उसके बाद में ये यहीं आ जाएगा 1/√2, उसके बाद में 1/2, और जो सबसे पहले लिखा था वो चला जाएगा सबके लास्ट में, तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे कोस थीटा। यदि किसी को नहीं याद है तो हम इससे आगे जब हम सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सर्व समीकरण वो पढ़ेंगे, वहाँ एक बार मैं फिर से लिखवाऊंगा सभी फॉर्मूले आपको, तब देख लेना। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, मतलब यदि हमें टेन थीटा निकालना है तो साइन बटे कोस निकालना है, मतलब इनके बीच में आप डिवाइड करना है इन सभी को, तो साइन बटे कोस करेंगे तो देखो 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो 0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो यह आएगा 1/√3, ऐसे ही इनको डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल होगा तो 1। देखो आपको कभी भी संख्याओं को काटना है तो पहली वाली संख्या है मान लो अंश बटे हर, और दूसरी भी जो भिन्न होगी वो इसी प्रकार होगी अंश बटे हर, तो यदि आप इनको डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा हर से हर कटेगा और अंश से अंश कटेगा, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि आपको सेम संख्या दी और वहीं पे आपने काट दिया, तो यहाँ पर देखो √2 से √2 कट गया तो आ जाएगा 1, यहाँ देखो आप 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना √3। अब यहाँ देखने वाली बात है 1/0, 0 नहीं लिखना है, आप किसी जैसे 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे, कोई भी संख्या हो 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या हो, जैसे मैंने ए लिख दिया, कोई भी संख्या हो तो वो तो 0 होता है, लेकिन आप किसी संख्या में यदि 0 का भाग दोगे तो वह आप ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब बहुत बड़ी संख्या होती है जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत। तो यहाँ पर देखो 1/0 करेंगे तो ये वाली वैल्यू निकल के आएगी कितनी, अनंत, इनफाइनाइट। अब कोट का मान निकालना है तो कुछ नहीं करना, जो ये मान है इसको उल्टा लिख दो, मतलब लास्ट वाला सबसे पहले, उसके बाद में √3, उसके बाद में 1, उसके बाद में 1/√3, और लास्ट में कितना आएगा 0। ठीक है, सेक थीटा, तो ये भी आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो सेक थीटा होता है वो बराबर होता है 1/cos थीटा, मतलब कोस का क्या होता है, उल्टा होता है। ऐसे ही यदि हम देखें कोसेक थीटा तो ये बराबर होता है 1/sin थीटा, और वैसे टेन थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है, या कोट थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है, ये हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे हमारी 7 उसमें देखेंगे, जब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की सर्व समीकरणें पढ़ेंगे तब सारे फॉर्मूले हम देखेंगे वहाँ पर। तो देखो सेक थीटा हो गया कोस का उल्टा, उल्टे का मतलब इनको आपको पलटना है, तो जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है, तो हम इसको पलटेंगे तो भी एक ही रहेगा 1/1, मतलब 1 ही आएगा, इसको पलटेंगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर और बटे में 1 आएगा जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको पलटेंगे तो 2/1 आएगा जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जब इसको पलटेंगे तो देखो अभी ये 0 है और अभी मैंने बताया जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में कितना होता है 1, और जैसे हम इसको पलटेंगे तो ये बनेगा कितना 1/0, और 1/0 मैंने अभी बताया क्या होता है, अनंत। ठीक है, तो ये हमने किसका मान निकाल लिया, सेक का। अब मान निकालना है हमें कोसेक का, तो कोसेक का निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस उल्टा लिखना है,
लास्ट वाला सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में आ जाएगा दो, उसके बाद में आ जाएगा अंडर रूट दो, उसके बाद में आ जाएगा दो बटे अंडर रूट तीन, और उसके बाद में आ जाएगा वन। ठीक है, तो यदि आपने ये सारणी याद कर ली तो आपको मान रटने नहीं पड़ेंगे कि किसका मान कितना होता है, और आप दो तीन बार सारणी को लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो मान अपने आप ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। यदि आप बार बार लिखने की प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, तो जो जो मान हमें यूज़ होंगे वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। तो ये ऊपर जो मैंने लिखा है ये ट्रिक है कि किस हिसाब से हमने किया है इनका मान। ठीक है, तो आप साथ साथ ही सारणी बना लो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने बनाई कैसे है। ठीक है, तो जिसको उतारना है उतार लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं इसके। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने जो कोण थे उनके मान हमने देख लिए हैं, अभी हमने टेबल बनाई थी, अब उसके ऊपर आधारित हम क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस तीन कोस स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 प्लस थ्री कोस स्क्वायर 30। तो आपको मान ध्यान में होने चाहिए। तो देखो टेन स्क्वायर 60 यहाँ पे लिखा है, तो आपको टेन 60 का मान बताओ कितना है टेबल से, अंडर रूट तीन। टेबल आप खोल लो अभी, बाकी बाद में आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो अंडर रूट तीन, ये तो टेन 60 का मान हुआ। आप देखो इसका स्क्वायर था, तो हम इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस थ्री कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30। तो बताओ कोस स्क्वायर 30, कोस 30 का मान कितना, अंडर रूट तीन बटे दो, और इसका क्या है स्क्वायर, मैं सोल्व करना है। अंडर रूट तीन का स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो आएगा तीन प्लस यह है तीन गुणा तीन, अंडर रूट तीन का स्क्वायर करेंगे तो तीन, और बटे में दो है इसका स्क्वायर करेंगे तो चार। तो क्या होगा ये, तीन प्लस तीन को तीन से करेंगे नौ बटे चार। ठीक है, तो देखो चार को तीन से करेंगे बारह, और बारह को नौ से करेंगे तो इक्कीस बटे चार। तो इसका मान कितना जाएगा, इक्कीस बटे चार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कोस 45 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री, कोस 45 कोस 60 साइन 45 साइन 60, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो देखो कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, माइनस साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 इंटू साइन 60 की जो वैल्यू है वो होती है अंडर रूट 3/2। तो देखो ये तो जाएगा 1/√2, और माइनस ये भी कितना होगा अंडर रूट 3, और बटे में आएगा 2√2। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो दोनों के हर समान है, तो यही इनका एलसीएम हो जाएगा 2√2, और ऊपर आ जाएगा 1-√3। ठीक है, यदि आपको ऐसा आंसर लिखा हुआ नहीं मिले तो आप क्या करो, इसको 1-√3 और 2√2 है, तो इसको आप ऊपर नीचे अंडर रूट दो से गुणा कर दो। तो देखो ऊपर नीचे अंडर रूट दो से गुणा करेंगे तो यही हमारा होगा, ऊपर तो जाएगा अंडर रूट दो, और गुणा में है 1-√3, और बटे में देखो अंडर रूट दो को अंडर रूट दो से गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, मतलब दो, और दो को दो से गुणा करेंगे तो आएगा चार। तो आपको इस प्रकार भी आंसर लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो उतार लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस फोर साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और अपॉन में है थ्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट तीन, उसका क्या दे रखा है हमें स्क्वायर, प्लस फोर
साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और इसका हमें क्या दे रखा है, स्क्वायर। प्लस साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और उसका क्या है, स्क्वायर। ऐसे ही बटे में देखो आप, 3 सेक 30, सेक 30 की वैल्यू तो आपको पता है, जो कोसेक सॉरी कोस 30 होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 उसका उल्टा होता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2/√3, और इसका क्या है, स्क्वायर। प्लस कोसेक 60, तो देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कोसेक 60 की वैल्यू उसकी उल्टी, मतलब कितनी, 2/√3 का स्क्वायर। और माइनस कोट 30, तो कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और उसका क्या, स्क्वायर। देखो सोल्व करते हैं, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा इसका, तो 3 प्लस 4 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और बटे में √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बटे यहाँ देखिए 3 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और बटे √3 का स्क्वायर करेंगे तो उसका √ हट जाएगा। प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, बटे √3 का स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा 3। माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो उसका √ हट जाएगा, कितना आएगा, 3। तो यहाँ से देखिए, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचा, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ऊपर तो कितना हुआ, 3 2 5 और 1 6, बटे में देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है, तो क्या क्या बचा, 4 प्लस 4 बटे 3 और माइनस का 3, तो जाएगा 6/, तो देखो 4 में से 3 निकालेंगे तो 1, और प्लस का बचेगा 4/3, तो यहाँ से 6, इसको सॉल्व आउट करते हैं, 3 को 1 से करेंगे तो 3, और 3 और 4 कितने जाएंगे, 7, और बटे में कितना, 3, तो देखो बटे में बटा आ गया फिर से, तो संख्या घूम के ऊपर चली जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये, 18/7, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/7, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जिसको नोट करना है नोट कर लो आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, tan 3x इक्वल टू साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें x का मान निकालना है, तो देखो क्या लिखेंगे हम, tan 3x साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इंटू कोस 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। देखो tan 3x √2 को √2 से गुणा करेंगे तो √ हट जाएगा, और ऊपर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये भी होगा 1/2, और प्लस ये भी होगा 1/2, तो tan 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/2, तो नीचे 2 और ऊपर भी 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, 1। तो देखो ये तो है tan 3x, अब आप ये बताओ मुझे कि tan के कौन से एंगल का मान 1 होता है, क्योंकि इधर हमें tan दे रखा है ना, तो इधर भी हम tan की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें पता है कि tan 45 का मान 1 होता है, तो इस 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, tan 45, क्योंकि हमें पता है कि tan जो 45 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए tan 3x बराबर tan 45 डिग्री है, तो देखो ये भी tan है, ये भी tan है, यहाँ पर एंगल कितना 3x, और यहाँ पर कितना 45, इसका मतलब 3x की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री के इक्वल है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45/3, तो x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो नोट कर लो आप इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, तथा कोस ए माइनस बी की वैल्यू हमें √3/2 दे रखी है, तो हमें ए व बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है कि ए प्लस बी ये 0 से तो बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर है, इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में कोई यूज़ नहीं होगा। ये हमें इसलिए दे रखा है क्योंकि देखो ए प्लस बी मिला के पूरा एक एंगल है, तो इसका मान 0 से बड़ा होगा या 90 डिग्री से कम होगा या उसके बराबर भी हो सकता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है कि हम जो भी
त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, उनके जो मान पढ़ेंगे वो सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच के कोणों के बारे में ही पढ़ते हैं, इसलिए वो कंडीशन हमें दे रखी है, उसका कोई यूज़ हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले ये लिखा है साइन ए प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे आप यहाँ सोचो कि साइन ए प्लस बी है और इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो आप ये देखोगे साइन के कौन से कोण का मान 1 होता है, तो हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी और हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 90। क्यों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से बताओ मुझे, ये भी साइन है ये भी साइन का है, तो ए प्लस बी की जगह कितना लिखा हुआ है 90 डिग्री, तो मैं बोल दूंगा कि ए प्लस बी जो है इन दोनों का योग 90 डिग्री को होगा, ये हो गई समीकरण नंबर हमारी 1। ओके, दूसरा देखो, दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है कि जो कोस ए माइनस बी है ये है अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो देखो कोस ए माइनस बी अंडर रूट 3/2, तो कोस के किस कोण का मान अंडर रूट 3/2 होता है, तो हमें पता ही होता है कोस 30 डिग्री का। ओके, तो देखो ये भी कोस का मान है ये भी कोस का है, तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे तभी वैल्यू इक्वल हो सकती है, तो ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री, ये है हमारी इक्वेशन 2। तो क्या करना है हमें, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे, जोड़ने पर तो देखो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप ऊपर नीचे लिख के जोड़ सकते हो यदि किसी को ना पता लगे कि ए प्लस बी 90 डिग्री है और ए माइनस बी जो है वो 30 डिग्री है, हमें दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे देखो देखो प्लस का ये माइनस का ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए और ए हो जाएगा 2A और 90 और जो 30 है वो हो जाएगा 120 डिग्री, तो 2A की वैल्यू आ गई 120 डिग्री, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 120/2, तो ए की वैल्यू तो आ गई 60 डिग्री। अब देखो आप ए का मान या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, तो वहाँ से बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो देखो यदि ए बराबर 60 डिग्री इक्वेशन 1 में रखने पर, तो यदि इक्वेशन 1 में रख दें तो क्या आएगा, ए की जगह रखेंगे 60 प्लस बी और बराबर 90 डिग्री, तो बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री है उस साइड माइनस में जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री। ठीक है, तो ए हमारा 60 डिग्री और बी 30 डिग्री, तो इस प्रकार हम ए व बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया इसको एक बार, देखिए प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू 7/4 है। तो देखो हमें वैल्यू तो पहले से बता दी कि इसकी वैल्यू ये है, हमें सिर्फ प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके इक्वल लेके आनी है। ठीक है, तो देखो आगे हम ऐसे क्वेश्चन बहुत करेंगे सिद्ध करने वाले, तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हमें क्या मिलेगा, इस टॉपिक में दो साइड मिलेंगी, एक बराबर के लेफ्ट साइड और एक बराबर के राइट साइड, तो जो लेफ्ट साइड होगा उसको बोलते हैं हम LHS और जो राइट साइड होता है उसको बोलते हैं RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। ओके, तो देखो 7/4 है उसको तो क्या सोल्व करेंगे हम, तो हमें सोल्व करना है इसको, तो हम क्या लिखेंगे, LHS को हल करने पर, LHS को हल करने पर, तो लिख लो आप LHS क्या है, 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। ओके, वैल्यूज रख दो इनकी, 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 1 प्लस कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है
वन बाई रूट टू, और कोस 60 की जो वैल्यू है वो होती है 1/2। ओके, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 1 + 1/2 पास पास लिख लो आप ऐसे, 1 + 1/2, और ये है माइनस का 1/√2। ऐसे ये देखो, ये है 1 + 1/2 को हमने पास में लिख लिया और इस 1/√2 को बाद में लिख दिया, तो हो जाएगा 2 को 1 से करेंगे 2 और 1 3, तो 3/2 माइनस का 1/√2 और इनटू ये हो जाएगा 3/2 और प्लस का 1/√2। तो देखो इस प्रकार की शेप बन गई है, a माइनस बी, और यह है a प्लस बी, तो a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, इस प्रकार यदि गुणा में संख्या हो तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो देखो ए स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 1/√2, तो इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और बटे में कितना 4, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9, बीच में साइन है माइनस का, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, तो कितना जाएगा 7/4, और हमें यही निकालना था। तो देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया और ये किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो किसके इक्वल है, RHS के। ओके, हैंड्स प्रूफ। ओके, तो नोट कर लो एक बार, तो देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि x बराबर 30 डिग्री है तो हमें सिद्ध करना है कि cos 3x की जो वैल्यू है वो इक्वल है 4 cos³x - 3 cos x। तो अब की बार दोनों ही साइड हमें सोल्व करना पड़ेगा, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, उसके बाद में हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, और दोनों तरफ से वैल्यू क्या आएगी, इक्वल लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारा अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि ये वाली वैल्यू जो है उस इस वैल्यू के इक्वल है, और हमें दे रखा है कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है 30। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, तो LHS को हल करने पर, तो देखो जब LHS को हल करेंगे तो LHS हमारा क्या है, cos 3x। ओके, और x की वैल्यू हमें दे रखी है 30 डिग्री, तो हो जाएगा cos 3 × 30 डिग्री। ठीक है, तो बताओ कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ओके, तो हमारे जो LHS दे रखा था हमें उसकी वैल्यू कितनी आई, 0। अब सॉल्व करेंगे हम RHS को, RHS को हल करने पर, तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि हमारा RHS है क्या, तो देखिए यहाँ से RHS क्या था हमारा, 4 cos³x - 3 cos x। ओके, तो देखो 4 cos x, x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, एक बार हम लिख लेते हैं इसे, देखो cos स्क्वायर x की जगह लिखेंगे 30 डिग्री, माइनस 3 cos x की जगह 30 डिग्री, तो 4 × cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और इसका क्या होगा स्क्वायर, माइनस 3, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ओके, 3 cos x देख रखा ना, सॉरी ये क्यूब है, तो 4 × √3/2 का क्यूब है माइनस 3√3/2, तो देखो क्या हो जाएगा, 4 × √3 का क्यूब करना है, इसका मतलब √3 को हमें 3 बार गुणा करना होगा, तो आप देखो कि 2 तो गुणा होके क्या हो जाएंगे, ये 3, क्योंकि √3 हट जाएगा, और 1 √3 ऐसे कैसे बच जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 3√3, और बटे में 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8, माइनस 3√3 और बटे में कितना 2,
तो देखो चार से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, दो बार, तो क्या आया ये 3√3 बटे में है 2 और माइनस 3√3 और बटे में कितना है 2, तो जो RHS है उसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 0 और LHS की वैल्यू भी कितनी थी 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं LHS बराबर होगा किसके, RHS के। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक्सरसाइज हमारी जो 6 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, 6.1 ही है उसमें, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने सारे हर टाइप का हमने सोल्व कर लिया है। तो आप क्या करेंगे कि जो हमारी एक्सरसाइज 6.1 है उसको आप खुद एक बार वीडियो देखेंगे, आप अच्छे से समझ गए अच्छे से, उसके बाद में आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो जितने भी एंगल दिए हैं उनकी वैल्यूज भी याद हो जाएंगी, और प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। यदि जैसे मान लो आपने सिर्फ वीडियो देख लिया और आप सोचो कि हाँ हमें सब कुछ समझ में आ गया, तो ऐसा नहीं है, आपको पहले देखना है एक बार, दो बार, तीन बार, अच्छे से समझना है, और उसके बाद में आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त हैं उनमें आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालते हैं तो आपका नोटिफिकेशन मिलेगा उसको, तो आप उसी टाइम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नोट करना है आप नोट कर लो।